आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में और सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में। ये दो ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में जाना जाएगा कि सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या होता है। ये सप्लायर लिखा हुआ है, इसको सप्लाई बना लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के बारे में, और दूसरा है सेल ऑफ एसेट्स के बारे में। देखिए, सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स क्या होता है, कह रहा है कि जब हम गुड्स को सेल्स करने के लिए बाउचर एंट्री करते समय और ऐसा रेट भरना चाहें जिसमें टैक्स पहले से क्या हो, इंक्लूडेड हो, तो कह रहा है कि उसके लिए हमको सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर्स इनेबल करना होता है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे कोई ऐसा गुड्स या सर्विस आप सेल कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी जीएसटी पहले से लगा हुआ है, उस पर आपको अलग से जीएसटी नहीं लगाता। जैसे क्या होता है, कोई प्रोडक्ट आपने देखा होगा, उस प्रोडक्ट को अगर हम सेल करते हैं तो उसमें लिखा होता है, या परचेज भी करते हैं तो उसमें लिखा होता है इंक्लूडेड जीएसटी, इंक्लूडेड जीएसटी, इंक्लूडेड लिखा रहता है, मतलब उस पे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे जो है, अगर ऐसे हमको गुड्स को हम सेल कर रहे हैं जिसपे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है, तो इसके लिए बाउचर एंट्री करने से क्या होता है कि रेट वाला भरना चाहे, कह रहा है कि क्या कह रहा है, जब हम गुड्स को सेल करने के लिए बाउचर एंट्री करते समय ऐसा रेट भरना चाहे जिसमें टैक्स पहले से जुड़ा हो, मतलब हमको अलग से टैक्स लगाने की आवश्यकता ना हो, तो कह रहा है तो उसके लिए हमको सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर इनेबल करना होता है। अगर ऐसा गुड्स आप सेल कर रहे हैं जिसमें पहले से जीएसटी लगा है और उसमें अगर आप रेट भरना चाहते हैं बाउचर एंट्री करते समय, तो आपको सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का फीचर इनेबल करना होता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो इनेबल कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि गेटवे ऑफ टैली पे चले जाएंगे और बाउचर पे चले जाएंगे, और सेल्स बाउचर के लिए F8 बटन दबाएंगे, F12 बटन दबाएंगे कॉन्फ़िगर के लिए, और वहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, उसको यस कर देंगे। बहुत ही सिंपल है, देखिए करना क्या है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है सबसे पहले, इसके बाद से आपको बाउचर पे आना है, और यहाँ पे F8 बटन प्रेस करना है, ऑलरेडी आपके पास सेल्स वाउचर ओपन ही है, यहीं पे आपको F12 बटन दबाना है। क्या दबाना? F12 बटन। देखिए यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम, जो ऑलरेडी पहले से यस आपको दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से यस दिखा रहा है ना, ऑलरेडी पहले से यस यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया गया, देखिए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स दिया है। अगर इसी को हम क्लोज कर देते हैं F12 बटन दबा करके, अगर इसी को हम F12 दबा करके अगर कॉन्फ़िगरेशन करने से हम इसको बंद कर देते हैं, तो क्या ऑप्शन अब दे रहा है? तो ये क्या करना होगा आपको कि सबसे पहले यहाँ पे इस हिसाब से जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि फीचर्स इनेबल करेंगे, F8 बटन दबाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन के लिए F12 बटन प्रेस करेंगे, और प्रोवाइड रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर स्टॉक आइटम को यस करेंगे, तो वही वाउचर खुला हुआ है सेल्स वाउचर, और यहीं पे क्या दबाना है, F12 दबाना है, और बस कुछ नहीं करना है, इसी फीचर्स को आपको यस कर लेना है और कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा लेना। इससे फायदा क्या होगा, तो देखिए इससे फायदा क्या हो रहा है पे बता रहा है, तो कह रहा है कि फीचर्स इनेबल करने के बाद बाउचर में अब आपको दो रेट चित्र के अनुसार दिखाई देगा, और इस बार एंट्री करते समय रेट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स के कॉलम में रेट भरेंगे। जैसे देखिए यहां पर भी रेट दिखा रहा है और यहां पर भी रेट दिखा रहा है ना, पहले एक ही जगह दिखा रहा था, लेकिन अब कितने जगह दिखा रहा है, दो जगह दिखा रहा है, तो अब जब हम एंट्री करेंगे तो इसका रेट इसमें भरेंगे, इंक्लूसिव ऑफ टैक्स में भरेंगे, क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट हम सेल करने जा रहे हैं जिसपे ऑलरेडी पहले से जीएसटी लगा हुआ है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसी के आधार पर एक ट्रांजेक्शन आपका दे रखा है, ये ट्रांजेक्शन को हम समझते हैं। कह रहा है कि एज ऑन 1 जुलाई 2020 सोल्ड 1 पीस ऑफ लेनोवो G56 डेस्कटॉप टू कंप्यूटर केयर, रेट आर एस 30,000, इनवॉइस नंबर B2B004। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 जुलाई 2020 को 1 पीस लेनोवो G56 डेस्कटॉप बेचा गया, किसको किसको बेचा गया, कंप्यूटर केयर को, जिसका रेट कितना रुपया लगा, 30,000 रुपया लगा, और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर B2B004 दिया हुआ, तो लोकल का ही रहने वाला है कंप्यूटर केयर, तो यहाँ पे आइएगा सबसे पहले, और यहाँ पे आपको सेल्स B2B ही लेना है, और यहाँ पे लेना है कंप्यूटर, कंप्यूटर केयर है ना, क्या दिया है, कंप्यूटर केयर है,
हाँ कंप्यूटर केयर। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है कि निम्न आप आइटम बताइए कि कौन सा आइटम परचेज किया जा रहा है। लेनोवो G56 डेस्कटॉप, यहाँ पे ले लीजिएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप। वन पीस गोडाउन मैंने वेयर हाउस दे दिया, क्वांटिटी वन पीस आपको देना है और रेट इंक्लूसिव वाले में भरना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये नहीं कि एंटर करके इसमें आ जाइएगा, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लेनोवो G56 डेस्कटॉप ऐसा है जिसमें ऑलरेडी पहले से GST एडेड है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव पे आना है और यहाँ पे आपको इसका 30,000 अमाउंट भर देना और यहाँ से एंटर बटन प्रेस करना। इसके बाद से आपको सी GST या GST अपने आप उठा लेगा। यहाँ पे आई GST मैंने लिया है क्या, सॉरी इसके लिए एक मिनट, यहाँ पे लोकल ले लेना है। जब आप F8 बटन दबाइएगा तो यहाँ से बैक स्पेस सेल्स B2B और यहाँ पे लेंगे हम सेल्स लोकल, ऐसे ट्रांजेक्शन हम करेंगे। अब यहाँ पे आइटम का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आइटम हमको दे देना है क्या, लेनोवो G56 डेस्कटॉप, यहाँ पे ले लीजिएगा लेनोवो G56 डेस्कटॉप। लोकेशन वेयर हाउस मैंने दे दिया, क्वांटिटी वन पीस और रेट इसका दिया है कितना, 30,000। अब एंटर करिएगा, देखिए इतना आया है क्या चीज, सही है, बस इसी को कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा देंगे। अच्छा इनवॉइस नंबर अलग है, इनवॉइस नंबर तो अपने आप उठा रहा है ना, यहाँ पे क्या दिया है इनवॉइस नंबर B2B004। अरे तो इसके पहले मैंने कोई एक ट्रांजेक्शन किया होगा, इसके लिए यहाँ पे 5 दिखा रहा है, कोई एक ट्रांजेक्शन हमारा एक्स्ट्रा हुआ है तभी यहाँ पे 5 दिखा रहा है B2B005। आप लोग करिएगा, आप लोगों का सही उठाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बस यहीं पे कंट्रोल इसे क्या कर देंगे, एक्सेप्ट करा देंगे। तो मैंने प्रिंटिंग के बारे में कल बताया ही था, अगर आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करिए, नहीं तो स्किप से आप बैक आ जाइए, यहाँ से हो जाएगा। अब चलिए अगला क्या दिया है, तो अगला जो ऑप्शन आपका दिया है ये है आपका सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन हम बताने जा रहे हैं। देखिए सेल्स ऑफ एसेट्स नॉन ट्रेडिंग आइटम, अब देखिए इसके पहले मैंने आपको गुड्स के बारे में बताया था, गुड्स को हम क्या कर रहे थे, परचेज कर रहे थे और सेल कर रहे थे, मैंने बताया था ना गुड्स के बारे में, बहुत सारे इस समय तक मैंने गुड्स को क्या किया है, सेल किया है, लेकिन अब सेल किसको करना है, एसेट्स को सेल करना है। और देखिए जब भी एसेट्स को सेल किया जाता है, जब भी एसेट्स को सेल किया जाता है तो उसकी एंट्री हमेशा जर्नल वाउचर में किया जाता है। याद करिए मैंने आपको परचेज ऑफ एसेट्स के भी बारे में बताया था, जिसमें मैंने 30,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा था, याद है, तो उसको मैंने बताया था कि उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर अगर देखा जाए तो हम उसको जर्नल एंट्री मतलब उसको जर्नल में ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि सेल्स ऑफ एसेट्स का मतलब ये होता है कि अपने बिजनेस में जो एसेट्स मैंने परचेज किया था उसी एसेट्स को हम क्या करेंगे, सेल करेंगे, बेचेंगे। और कब बेचते हैं, तो जैसे कि मान के चलिए हमने अपने बिजनेस में कंप्यूटर लगा लिए, हमने अपने बिजनेस में कंप्यूटर खरीद के लेके आया और कंप्यूटर पे हम काम करने लगे अपने बिजनेस के पर्पज से, और उसके बाद से मान के चलिए कि हमारा कंप्यूटर डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज्यादा उसको बनवाने में मतलब पैसा लग रहा है, खर्चा लग रहा है ज्यादा मात्रा में, तो हम तो उसको बेचने के मकसद से नहीं खरीदे थे, हम तो अपनी जरूरत के हिसाब से मैंने उसको परचेज किया था कि हमारा काम में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर हमारे व्यापार में आ रहा है तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आ रहा है तो कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स होगा, और फिक्स एसेट्स होगा तो क्या हम उसको बेचने के लिए मैंने खरीदा था अपने बिजनेस में, ये इसलिए नहीं मैंने खरीदा था कि हमारे बिजनेस में लंबे समय तक काम में आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब एसेट्स को हम सेल तो करेंगे लेकिन नॉन ट्रेडिंग आइटम, एक ट्रेडिंग आइटम के अंतर्गत नहीं है ये, सेल परचेज करने वाला नहीं है, मतलब मैंने यूज के लिए खरीदा था और मैंने कुछ दिनों तक यूज किया और उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से हम इस एसेट्स को क्या कर रहे हैं, बेचने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये नॉन ट्रेडिंग आइटम के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब इसको हम सेल परचेज में नहीं रखेंगे, इसको आप ये समझिए कि जो आपने एसेट्स अपने व्यापार में लाया था वो एसेट्स आपके व्यापार में लंबे समय तक चला, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आप इसको क्या कर रहे हैं, किसी और को सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं।
तो ऐसे एसेट्स को सॉल्व करने के लिए सेल्स ऑफ एसेट्स का इस्तेमाल करना होता है, जिसकी एंट्री हम जर्नल वाउचर में करते हैं। अब देखिए, मान के चलिए मैंने जो है कंप्यूटर खरीदा था आज के 4 साल पहले 30,000 रुपया में, तो कोई जरूरी है कि जैसे कि अगर हम उसको कुछ खराबी आने के कारण अगर हम उसको बेचेंगे तो 30,000 में मैंने खरीदा था तो हमको 40,000 मिल जाए? हो सके कि हमारा ज्यादा भी मिल सकता है, हो सके तो हमारे कम भी पैसा मिल सकता है, क्योंकि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेच रहे हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हमारे हिसाब से अगर देखा जाए तो कंप्यूटर हमारा बिजनेस के लिए कुछ समय तक अच्छा था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो हो सके कि इसमें आपके मूल्य में कमी भी आ सकती है, या हो सके कि इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। क्या होता है, कोई बाइक हम खरीदते हैं तो क्या होता है, 30,000 मतलब आप मान के चलिए 50,000 रुपये में खरीदते हैं, उसके बाद से कुछ समय चलाते हैं, अगर बाइक की कंडीशन अच्छी होती है तो 50 से बढ़ा करके आपको 70,000 भी मिल जाता है, और अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो 50 से घट करके आपको 30,000 में भी मिल जाता है, लेकिन रिक्वायरमेंट आप ही को होती है बेचने की, इसलिए उसकी वैल्यू हमको पता नहीं चलता है। तो वही बात इसमें बताया जा रहा है सेल्स ऑफ एसेट्स के बारे में, नॉन ट्रेडिंग आइटम, मतलब ये ट्रेडिंग बिजनेस के अंतर्गत नहीं आएगा कि मैंने खरीदा था और फिर बेच रहा है, नहीं, ये हम इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ मतलब प्रॉब्लम आई है और हम अपने कंप्यूटर में मतलब अपनी एसेट्स को हम बेचना चाहते हैं किसी और कस्टमर से। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहे कि प्रायः एसेट्स को सेल करने के लिए हमको जर्नल वाउचर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मोड का प्रयोग करके हम सेल्स वाउचर को ही एसेट्स सेल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है। डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है मूल्यह्रास। कोई वस्तु अगर आप बेचते हैं, कोई एसेट्स आप बेचते हैं, तो उस एसेट्स में बेचते समय कुछ मूल्यों में कमी आती है, जिसको हम डिप्रिसिएशन चार्ज के नाम से जानते हैं। वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है आपका, सालाना वो डिप्रिसिएशन चार्ज करता है, 10% 15% जितना भी कटेगा वो आपका कटता है चार्ज। और फिर कह रहा है कि लेकिन किसी भी एसेट्स को सेल करने से पहले उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी होता है, जिससे एसेट्स को सेल्स करने से होने वाले प्रॉफिट और लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा सके। मान के चलिए, ऐसा नहीं कि हर बार आप सेल करेंगे तो हर बार आपका लॉस ही लॉस हो, अरे कभी प्रॉफिट भी तो हो सकता है। तो मतलब ये जब हम सेल करते हैं एसेट्स को, तो इससे हमको आइडिया मिल जाता है कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, और इसकी जानकारी करने के बाद तब बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। याद करिए, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कॉस्ट के बारे में, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में, कि कभी भी अगर हम कोई गुड्स या गुड्स परचेज करते हैं तो अगर हम उसको 2 साल बाद भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं तो उसकी ओरिजिनल एंट्री मान के ही करते हैं कि मैंने कितने रुपए में परचेजिंग किया था। याद है मैंने कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, लागत के बारे में, कि जैसे 50,000 रुपये में अगर मैंने फर्नीचर खरीदा है तो अगर 2 साल बाद भी अगर उस फर्नीचर को बेचेंगे तो उसमें भी हम 50,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। अगर हमारा फर्नीचर अच्छा है तो 50,000 से बढ़ करके आपको 60,000 भी मिल सकता है, अगर आपका फर्नीचर खराब हो चुका है तो 50,000 से घट करके 40,000 भी मिल सकता है, लेकिन ओरिजिनल अमाउंट क्या रखेंगे, 50,000 ही रखेंगे। ये मैंने इसके पहले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक ट्रांजेक्शन आपका दिया हुआ है, ट्रांजेक्शन आप समझिएगा, कह रहा है कि एज ऑन 2 अप्रैल 2021 कंप्यूटर हैज बीन सोल्ड फॉर ₹25,000 टू कंप्यूटर एम्पायर। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर बेचा गया किससे, कंप्यूटर एम्पायर से, और कितने रुपए में, 25,000। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल 2021 को कंप्यूटर बेचा गया किससे, कंप्यूटर एम्पायर से, और कितने रुपए से, 25,000 रुपए से। तो कह रहा है कि जिस पे डिप्रिसिएशन चार्ज लगा कै परसेंट, 10%, यानी कि कंप्यूटर एम्पायर से जब कंप्यूटर बेचा गया तो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, और कह रहा है कि डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्जेस 10%। कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स यू हैव टू कैलकुलेट राइट एंड डाउन वैल्यू ऑफ कंप्यूटर, इट हेल्प टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ सेल्स ऑफ एसेट्स। कह रहा है कि जो आपका 10% जो आपका डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है, ये कह रहा है कि बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी कि सेल करने से पहले जो फिक्स एसेट्स आपने परचेज किया था उस पे आपको 10% चार्ज आपको डिप्रिसिएशन लग रहा है। तो ये आपको पता करना पड़ेगा ना कि अगर हम 25,000 रुपये में बेच रहे हैं तो मैंने खरीदा कितने रुपए में था,
बोलिए, तभी तो आप उसका 10% निकालेंगे ना। तो अगर आपको ये जानना हो कि अगर हम कंप्यूटर एम्पायर को 25,000 रुपये में बेचने जा रहे हैं, इसके पहले कंप्यूटर हमने परचेज कितने रुपए में किया था, तो इसकी जांच करने के लिए कहां से जांच करेंगे, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम फिक्स एसेट्स को हम सेल करें, हम बेचे होंगे, सॉरी खरीदे होंगे, तो वो हमारा दिखाएगा किसमें, बैलेंस शीट। याद करिए, जब परचेज ऑफ एसेट्स की एंट्री मैंने किया था, तो जैसे कंप्यूटर मैंने परचेज किया था, तो हमको उसमें बैलेंस शीट में हमको दिखाई दिया था, याद है। तो इसकी जांच करने के लिए आप यहां से बैक आइएगा, और सबसे पहले यहां पे आपको बैलेंस शीट पे आना है। आप इसी में बैलेंस शीट और अल्ट प्लस या फोन बटन दबा लीजिए। देखिए अपनी बिजनेस में कंप्यूटर कै रुपए का दिखा रहा है, कै रुपए का दिखा रहा है, 30,000 रुपए का दिखा रहा है। तो 30,000 रुपए 10% डिप्रिएशन चार्ज लग रहा है, समझ में आ रहा है ना। 30,000 रुपए 10% डिप्रिएशन चार्ज लग रहा है, और प्रोडक्ट को बेचा कितने में जा रहा है, 25,000 रुपए। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है आपसे, यहाँ पे कह रहा है डिप्रिसिएशन हैज बीन चार्जेस 10% पीए बिफोर सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यू हैव टू कैलकुलेट राइट एंड डाउन। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सेल करने से पहले वो प्रोडक्ट को जितने में आपने परचेजिंग किया था, उस पे 10% डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है। और क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि और हेल्प करता है कैलकुलेट को प्रॉफिट एंड लॉस को, और कह रहा है कि इसी के माध्यम से हम प्रॉफिट एंड लॉस का निर्धारण करेंगे, और सॉल्यूशन दिया है। देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको हम बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे बता रहा है कि सबसे पहले हम लेजर करें क्रिएट करेंगे किसका, डिप्रिसिएशन का, और अंडर में रखेंगे क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस रखेंगे। और फिर कह रहा है कि फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का बनाएंगे एक लेजर, और अंडर में प्रोविजन रखेंगे। प्रोविजन का मतलब होता है प्राविधान, मतलब ये जो 10% आप जो दे रहे हैं डिप्रिसिएशन, एक प्राविधान है, ये गवर्नमेंट को आपको, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से एक प्राविधान बनाया गया है, वो प्राविधान के तहत आपको डिप्रिसिएशन देना ही देना होता है, क्योंकि जब तक आप डिप्रिसिएशन नहीं देंगे, तब तक आपका बैलेंस इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि एसेट्स वी आर परचेज इन मई 2020, एसेट्स को कब परचेज किया गया था। चलिए पहले इस लेजर को हम बना लेते हैं, किसका किसका लेजर बनाना है, तो डिप्रिसिएशन का और प्रोविजन फॉर क्या, डिप्रिसिएशन। चलिए इसको हम बना लेते हैं, यहाँ पे आपको बनाना है डिप्रिसिएशन। बैक आते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे आते हैं, और लेजर स्पेलिंग बताइए, DEP RECIATION, डिप्रिसिएशन। अब ये किसके अंतर्गत आएगा, एक प्रकार का खर्चा है ना, अरे 10% हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे। अब कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करना, ठीक है ना। अब दूसरा किसका लेजर बनाना है, दूसरा जो लेजर आपको बनाना है, क्या दिया, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पे हम भरेंगे प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, सही है। CIATION, सही है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो ये पूछ रहा है कि जो आप डिप्रिसिएशन दे रहे हैं, और प्रोविजन का मतलब क्या, मतलब मैंने बताया प्राविधान, यानी कि प्राविधान के तहत एक आप डिप्रिसिएशन दे रहे हैं, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये आएगा आपका प्रोविजन के अंतर्गत। यहाँ पे प्रोविजन को सिलेक्शन कर लेना, अब यहीं पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा, अब यहां से बैक आइएगा। अब आपको स्टेप बाय स्टेप ट्रांजेक्शन आपको सॉल्व करना है। तो अब देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, अब तो दोनों लेजर क्रिएट हो गया, अब इसकी सॉल्यूशन आप समझिए। कह रहा है कि एसेट्स वी आर परचेज इन मई 2020, एसेट्स को परचेज कब किया गया था, मई 2020 में, और कह रहा है कि एंड विल बी सोल्ड नवंबर 2020, और बेचा जा रहा है नवंबर 2020 में। ध्यान दीजिएगा, मैंने एसेट्स को परचेज किया था 2020 में, मई 2020 में, और सेल कर रहे हैं नवंबर 2020 में, तो कितने दिन बाद हम सेल कर रहे हैं, 6 महीने बाद। अरे मई छोड़, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मई को अगर आप छोड़ करके जोड़ेंगे, तभी आपको 6 महीना आ रहा है टोटल। 6 महीने में आप इस एसेट्स को क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, किसको, कंप्यूटर एम्पायर। अरे आपने मई 2020 में 30,000 रुपये का कंप्यूटर आपने खरीदा था, लेकिन आप बेच रहे हैं कई महीने बाद, 6 महीने बाद। तो क्या बताया जा रहा है कि नवंबर 2020, इसमें ब्रेकेट में लिखा भी है,
आफ्टर 6 मंथ, यानी कि 6 मंथ के बाद आप इसको बेचने जा रहे हैं, और कह रहा है कि सो हाफ ईयरली डिप्रिसिएशन विल बी चार्जेड ऑन एसेट्स वैल्यू। हाफ ईयरली का मतलब होता है अर्धवार्षिक। अरे 1 साल में डिप्रिसिएशन लगता है, लेकिन 1 साल तो अभी हुआ नहीं है, 6 मंथ में हम बेचने जा रहे हैं तो हाफ ही लगेगा ना, तो हाफ लग रहा है कितना, 10%। तो कह रहा है कि डिप्रिसिएशन हम जानेंगे कैसे, तो जैसे यहाँ पे दिया है 30,000, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 30,000 हमारा है क्या, परचेजिंग का रेट है। अरे मैंने 30,000 रुपया में खरीदा था, और मल्टीप्लाई करेंगे जितना डिप्रिसिएशन हमको मिल रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है कितना, 10%, और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से। और 1 साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन आप 6वें महीने में सेल कर रहे हैं, तो 6 से ही तो रखेंगे यहाँ पे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 12, तो ये रिकॉर्ड आपका आ जाएगा कितना, 1500। जैसे कि मान के चलिए आपने 30,000 में प्रोडक्ट को खरीदा था, अरे अपनी कंप्यूटर 30,000 रुपया में आपने खरीदा था, और 30,000 पे 10% क्या लग रहा है, डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो डिप्रिसिएशन निकालने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से। और फिर कितने महीने का लग रहा है, 6 महीना, तो ये 6 महीना कहाँ से निकल करके आया है, तो 1 साल में से निकल करके आया है, और 1 साल में 12 महीने, लेकिन आपका 6 मंथ का ही रिकॉर्ड है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे, 12 करेंगे, और जब इतना मैं मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तब ये अमाउंट आपका आ जाएगा कितना, 1500। क्लियर हुआ, तो ये 1500 रुपया हमारी डिप्रिसिएशन है। अब चलिए 30,000 रुपया में मैंने खरीदा था, ध्यान दीजिएगा, और 1500 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज मैंने दे दिए, और बेच रहे हैं कितने रुपए में, 25,000 रुपये। तो 25,000 रुपये में अगर हम देखेंगे तो 5,000 रुपये की हमारा डिफरेंस आ रहा है, 5,000 का आ रहा है ना, तो 1500 रुपया तो वैसे ही पकड़ा गया कि डिप्रिसिएशन चार्ज लग रहा है, तो शेष कितना पैसा बचा, 3500 रुपया बचा। तो जो 3500 रुपया है वो आपके से मतलब जब गुड्स को आप सेल कर रहे हैं, सॉरी जब एसेट्स को आप सेल कर रहे हैं, तो उतना आपका लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अरे जैसे मान के चलिए कोई जरूरी है कि जैसे मान के चलिए कि कस्टमर हमारे पास खरीदने आया और कह रहा है कि 10% तो डिप्रिसिएशन लग ही रहा है, अरे कुछ प्रोडक्ट आप हमको सेल करेंगे तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो मैंने ये कर दिया कि चलो तब 3500 रुपया कम ही देना, तो 3500 रुपया हमारा लॉस जा रहा है ना, तो 3500 रुपया वो लॉस हो गया और 1500 रुपया ये लॉस हो गया, अब दोनों जोड़ेंगे तो 5,000 आपका, तो 30,000 पहले था और यहाँ पे 30,000 आपका इक्वल हो गया, अरे 25,000 में सेल करने जा रहे हैं और 5,000 रुपया आपका एक्सपेंस हुआ है, 25 और 5 30 हो गया, और परचेजिंग भी आपने 30 किया था, तो जितना आपका डेबिट का अमाउंट उतना ही आपका क्रेडिट का अमाउंट। लेकिन इस ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने से पहले आपको एक लेजर बनाना होगा लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स के नाम से, क्योंकि एक प्रकार का आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये, तो चलिए इसको भी हम बना लेते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं सबसे पहले क्रिएट पे, और यहाँ पे आ जाते हैं लेजर पे, और क्या लिखना है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स, मतलब जब हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो हमारा कितना लॉस हो रहा है, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स हो जाएगा। अब अंडर में क्या होगा, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो यहाँ पे हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे रख लेंगे। अब चलिए अब इस ट्रांजेक्शन को हम सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा बैक आइएगा। अब ट्रांजेक्शन को सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले तो हम ये दिखाएंगे कि जब हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो बेचने की एंट्री हम किसमें करेंगे, जर्नल वाउचर में करेंगे, सेल्स वाउचर में नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एसेट्स को सेल किया जा रहा है, जब भी एसेट्स को परचेज किया जाए या एसेट्स को सेल किया जाए हमेशा उसकी एंट्री जर्नल वाउचर में ही करते हैं। अब चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर एम्पायर के बारे में, तो चूंकि यहाँ पे कंप्यूटर एम्पायर को बेचा जा रहा है, कंप्यूटर एम्पायर को बेचा जा रहा है, तो कंप्यूटर एम्पायर पाने वाला हुआ ना, तो पाने वाला हुआ तो कंप्यूटर एम्पायर है क्या, किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो कंप्यूटर एम्पायर अगर पा रहा है तो हम उसको रिसीवर बोल सकते हैं, और रिसीवर का नेचर होता क्या है, डेबिट होता है, इसलिए कंप्यूटर एम्पायर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए यहां से आप बैक आ जाइएगा, और यहां पे आपको वाउचर पे आना है, इसमें आपको ले लेना है F7, और यहां पे ले लेना है कंप्यूटर एम्पायर, तो बना तो है नहीं पहले से, यहीं पे अल्ट के साथ सी बटन दबाएंगे और यहां पे लिखेंगे कंप्यूटर एम्पायर, कंप्यूटर एम्पायर। आप बताइए सेल किया जा रहा है, संड्री क्रेडिटर कि संड्री डेबिटर, क्या हो जाएगा, संड्री डेबिटर हो जाएगा, क्योंकि हमारे बिजनेस का क्या है,
कस्टमर है, यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर ले लेंगे। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। अब देखिए करंट बैलेंस कुछ दिखा रहा है। अब देखिए इस मुताबिक इसी के हिसाब से हमको चलना है। तो कंप्यूटर एम्पायर को जब हम सेल कर रहे हैं तो इसे कितने रुपए में हम सेल कर रहे हैं? 25,000 रुपए में। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि 25,000 रुपए में मैंने इसको बेचा है। आप यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, फिर अगला क्या कह रहा है, जो आप 25,000 रुपए में अगर आप इसको बेचे हैं तो 25,000 बेचने के बाद इसमें प्रोविजन कितना लगा है? तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कितना लगा है आपका? 1,500 रुपया लगा है। तो आप प्रोविजन की बात करें तो हमारे बिजनेस का एक प्रकार का एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, यहाँ पर रखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये कितना रुपया चार्ज लगा है? 1,500 रुपया चार्ज लगा है। एंटर करिएगा। अभी भी कुल अमाउंट अभी 26,500 ही आ रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितना आपका डेबिट का अमाउंट उतना ही आपका क्रेडिट का अमाउंट, जब तक ये मैचिंग नहीं करेगा तब तक आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब चलिए इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अगला दिया है लॉस ऑन एसेट्स, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स। जब आप एसेट्स को सेल किए हैं तो आपके व्यापार में लॉस कितने रुपए का हुआ है? 3,500 रुपए का। तो जब लॉस हो रहा है तो डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट हो जाएगा। इसमें रखेंगे डेबिट और इसमें हम ले लेंगे क्या, लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स ले लेंगे। हाँ, अब कितने रुपए का लॉस हुआ? 3,500 रुपए का लॉस हुआ। अरे आप खुद देख लीजिए, 30,000 रुपए में मैंने कंप्यूटर खरीदा था और बेच रहे हैं 25,000 रुपए में, 25,000 में बेच रहे हैं ना, तो 5,000 रुपया आपको सेटलमेंट करना पड़ेगा ना कि 5,000 कहाँ कहाँ गया। तो अगर 5,000 में 1,500 रुपया आपका ये कैचिंग हो गया तो आपका शेष जो 3,500 रुपया बचा है वो आपका लॉस की तरफ गया होगा। अब चलिए अगर डेबिट साइड का अमाउंट जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 30,000। अब यहाँ पे आता है क्रेडिट। अब बताइए कंप्यूटर अगर हम सेल करेंगे तो कंप्यूटर हमारे व्यापार में आएगा कि जाएगा? जाएगा। और कंप्यूटर एक प्रकार का फिक्स एसेट्स है, तो जब सेल करेंगे तो हमारे व्यापार से जाएगा ना। तो यहाँ पे हम रखेंगे कंप्यूटर, क्या रखेंगे? कंप्यूटर। अब कितने रुपए से क्रेडिट होगा? 30,000 रुपए से। अब देखिए कंप्यूटर का बैलेंस आपका 0,0 हो गया। पहले कंप्यूटर आपका 30,000 दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने सेल कर दिया बैलेंस इसका 0 हो गया। अब कंट्रोल एस एक्सेप्ट करा दीजिए। क्या इस रिकॉर्ड से अगर हम मेंशन करें तो क्या हमारा फिक्स एसेट्स में कंप्यूटर की वैल्यू 30,000 दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, क्योंकि मैंने सेल कर दिया। अब चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। यहां से आप आ जाइएगा, सबसे पहले कहां पे? बैलेंस शीट पे आना है। देखिए बैलेंस शीट पे जैसे ही क्रिएट करेंगे अल्ट प्लस F1 दबाएंगे, कंप्यूटर का नाम तो दिखा रहा है लेकिन इसका बैलेंस यहां से गायब हो, क्योंकि जितने में मैंने परचेजिंग किया था उतने ही में मैंने क्या कर दिया, उसको सेल भी कर दिया। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस कम होगा, अगर 30,000 से थोड़ा सा भी कम होगा, तो जितना आपका कम होगा सब इसमें कंप्यूटर में दिखाएगा कि आपने उतने रुपए में क्या किया है, परचेज किया है। तो जितना से आपका डेबिट उतना ही से आपका क्रेडिट हो जाएगा। मतलब तीन अकाउंट मैंने डेबिट का बनाया और एक सिंगल अकाउंट मैंने किसका बना दिया, क्रेडिट का बनाया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए इसके बाद भी दिया हुआ है, अभी इतना ही पे नहीं सीमित रहना है, इसके बाद भी दिया हुआ है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि आप दिखाइए कि डिप्रिसिएशन किसके अंतर्गत आता है। तो एक प्रोविजन है, किसके अंतर्गत आता है? एक प्रोविजन है, प्राविधान है, और ये जब तक आप इसको दिखाएंगे नहीं तब तक आपका सेटलमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, एक हम बनाएंगे डिप्रिसिएशन का जनरल वाउचर में रिकॉर्ड करेंगे, डिप्रिसिएशन का डेबिट करेंगे और प्रोविजन फॉर क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन से हम क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए पुनः बैक आइएगा और यहाँ से आपको आ जाना है सबसे पहले वाउचर पे। अब यहाँ से आपको लेना है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन यहाँ पे अगर आप सिलेक्शन करेंगे तो डिप्रिसिएशन कितना दिखा रहा था, 1,500 दिखा रहा था ना, यहाँ पे भी करंट बैलेंस में 0 दिखा रहा, मतलब डिप्रिसिएशन जो आपने दिया है वो किसके तहत आपने दिया है, तो प्रोविजन के तहत आपने दिया है। तो यहाँ पे 1,500 आपको फिलअप करना है और फिर एंटर करिएगा। फिर ये पूछेगा कि 1,500 डिप्रिसिएशन कहाँ से आया है, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। देखिए इसका बैलेंस 0 हुआ और ये बैलेंस बता रहा है कि यही बैलेंस आपका एक प्रकार का डिप्रिसिएशन है, जो आता है किसके अंतर्गत, प्राविधान के अंतर्गत, प्रोविजन के अंतर्गत आता है। तो 1,500 से भी हो गया, 1,500 से भी ट्रांजेक्शन हो गया, दोनों बैलेंस हमारा इक्वल हो गया, तो ये डिप्रिसिएशन हम बता सकते हैं कि एक प्रकार का हमारे बिजनेस का प्राविधान होता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए
इसी के साथ साथ आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका लॉस ऑफ एसेट्स में यहाँ पे 3500 रुपया दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे किसमें प्रॉफिट एंड लॉस में आपको चेक करना पड़ेगा ना कि प्रॉफिट एंड लॉस में आपका 3500 रुपया दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसकी जांच करने के लिए क्या करिएगा, यहां से सबसे पहले आप बैंक आइएगा। बैंक आने के बाद यहाँ पे आपको आना है पीएल अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, और यहीं पे अल्ट के साथ या फोन बटन प्रेस करिएगा। देखिए पीएल अकाउंट में आपका 3500 रुपया दिखा रहा है। ₹35 शो कर रहा है कहीं? हाँ देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स के नाम से दिखा रहा है कि आपका ₹35 का लॉस हुआ है। लॉस हुआ है तो किसमें जाएगा, इनकम में कि एक्सपेंस में? एक्सपेंस में आपका दिखा रहा है। अगर इनकम होता तो राइट साइड में दिखाता, लेकिन एक्सपेंस है तो आपका लेफ्ट साइड में दिखा रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक आप ट्रांजेक्शन अपना करिए, ठीक है? कोई दिक्कत है किसी को? और इसके बाद से आपको डेबिट और क्रेडिट के बारे में जानकारी दिया जाएगा, पहले इतना आप कंप्लीट करिए। कोई दिक्कत किसी को?